हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको शॉर्ट कुर्ते की कटिंग और स्टिचिंग सिखाऊंगी, जिसके लिए मैंने ये कपड़ा लिया है और इसका मेजरमेंट इस प्रकार है। देखिए, तीरा 5 इंच, कुर्ते की लंबाई है 30 इंच, छाती है 42 इंच, कमर है 40 इंच, हिप है 46 इंच। इसमें मैं विदाउट स्लीव्स बनाऊंगी ये कुर्ता। आप चाहे तो बाजू भी लगा सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है, आपको जो अच्छा लगे। तो देखते हैं कटिंग कैसे करते हैं। सबसे पहले ये मैंने 1.5 मीटर कपड़ा लिया है शॉर्ट कुर्ते के लिए। आप अगर लॉन्ग में बनाओ तो 2 मीटर लें, नहीं तो 1.5 मीटर में काम हो जाएगा। इसको सबसे पहले हम उल्टा कर लेंगे, उसके बाद ही चौक से निशान लगाएंगे, क्योंकि सीधे कपड़े पे चौक से निशान लगाते हैं तो कपड़ा भद्दा लगता है। ये देखिए, और अब ऐसे हम इसको फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए, ये कपड़ा मैंने 4 लेयर में लिया है, 1, 2, 3 और 4। इसको हम अच्छे से सेट कर लेंगे और उसके बाद ही कटिंग करेंगे। ये देखिए, सबसे पहले हम कुर्ते की लंबाई लेंगे। लंबाई हमारी है 30 इंच, तो उसमें हम 1.5 इंच प्लस करेंगे। अगर ये मैं सिलाई करूँगी पल्लों पे, अगर हमें तुरपाई करनी होती तो हम 3 इंच प्लस करते, लेकिन मैं सिलाई करूँगी तो मैं 1.5 इंच ही प्लस करूँगी, 31.5 इंच। और इसको हम मिला लेंगे। निशान लगाने के बाद हम इस कपड़े को अलग कर लेंगे, जो हमारा बाकी का बचा हुआ कपड़ा है। ये देखिए, अब मैं इस पे निशान लगाऊंगी। सबसे पहले हम तीरा लेंगे 5 इंच, और आर्म होल लेंगे 6 इंच, जैसे कि 42 हमारी छाती है, 42, तो हम उसका चौथाई हिस्सा लेंगे 42। 42 इंच का चौथाई हिस्सा 10.5 है, और 10.5 में हम 2 इंच प्लस करेंगे तो हमारा हो गया 12.5। के बाद हम कमर का निशान लगाएंगे। कमर का निशान हम 14 पे लगाते हैं, और कमर का उसका हिप का निशान हम लगाते हैं 21 पे। तो कमर के निशान की चौड़ाई हम लेंगे, जैसे कि मैंने ये 12.5 इंच ली थी, इससे 1 इंच हमें कमर की चौड़ाई लेनी होती है। जैसे कि 12.5 चेस्ट हुई तो कमर हुई 11.5 इंच, और हिप हमारे हैं 46 का भी हम चौथाई हिस्सा करेंगे 11.5 इंच, और उसमें हम 1.5 इंच प्लस करेंगे। हमें
निशानों को मिला लेंगे ऐसे। नीचे भी हम 13 इंच ही लेंगे। और जैसे आर्म होल का हम ये लेंगे गोलाई 1.5 इंच और ऐसे मिला देंगे। और 1/2 इंच पे लेंगे हम आगे की गोलाई। गला लेंगे हम 2.5 इंच। और अब हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग करते समय ये ध्यान रहे हमें ऊपर की निशान पे ही कटिंग करनी है। ये देखिए कटिंग हो गई है। अब मैं दोनों हिस्सों को अलग अलग कर लूँगी। ये हमारा पीछे का हिस्सा है और ये हमारा आगे का हिस्सा है। आगे के हिस्से को दोबारा ऐसे करना है, डबल फोल्ड करना है। उसके बाद जो मैंने ये निशान लगाया था ये वाला, इसकी कटिंग करनी है। हमारा कट गया। इसमें गला मैं विक्रम से बनाऊंगी, इसीलिए उसी टाइम बताऊंगी गला कैसे बनाते हैं। ये हमारा पीछे का हिस्सा है। पीछे का गला मुझे छोटा बनाना है तो मैं 5 इंच का गला बनाऊंगी, सॉरी 6 इंच का गला बनाऊंगी। गले की चौड़ाई लेंगे हम 2.5 इंच और ऊपर से भी 2.5 इंच। तो इसको ऐसे गोलाई करके कट करना है। तो ये देखिए हमारी शॉर्ट कुर्ते की कटिंग हो गई है। अब मैं इसकी स्टिचिंग करके आपको बताऊंगी। तो देखिए अब मैं इस कुर्ते की सिलाई करूंगी। तो देखो मैंने ये गला काट लिया है, इसको मैं अब सिलाई करूंगी और उसके बाद कुर्ते में अटैच करूंगी। उसके लिए हमें ये एक्स्ट्रा कपड़ा काटना है और फिर इसको गले में सिलना है। सबसे पहले हम ऐसे गले पे कपड़े को सिलते हैं।
देखिए गला सिल गया है। अब हमें इसका बीच निकालना है ऐसे करके। ऐसे नाखून से क्रीच बनानी है। और हल्का सा कट लगाना है। उसके बाद हमें देखना है कि जो हम गला अटैच कर रहे हैं वो बड़ा तो नहीं है, सही आ रहा है। और ऐसे ही हम ये हमारा आगे का हिस्सा है, इसमें भी हम ऐसे ही क्रीच बनाएंगे। ये देखिए आपको दिखाती हूँ गला कैसे लगाते हैं। सबसे पहले हम ये देखिए ये क्रीच आपको दिख रही होगी, इसी क्रीच पे हमें ये गला ऐसे रखना है और एक कच्ची सिलाई लगानी है। ये देखिए अब हमें ये इसके आसपास बुकरम के सिलाई लगानी है। ये देखिए गला मैंने इसमें सिल दिया है। अब मैं इसकी कटिंग करूँगी, जहाँ सिलाई लगाई है उसके उससे थोड़ा थोड़ा कपड़ा छोड़ के हमें कटिंग करनी है। और अब ये जो कपड़ा हमने छोड़ा है इसमें हल्के हल्के कट लगाने हैं सिलाई से बचा के, जिससे हमारा गला आसानी से सीधी तरफ मुड़ जाएगा, झूल नहीं आएगा। और अब ये कच्ची सिलाई उधेड़नी है और उसके बाद हमें गले को उल्टी तरफ पलटना है और कच्ची सिलाई लगानी है। देखिए हमारा आगे का गला तैयार है। अब मैं पीछे का गला बताऊंगी कैसे बनाना है। पीछे का गला हमें गोल बनाना है।
ये देखिए ये मैंने ओवरे पट्टी काटी है, पूरे पट्टी को ऐसे सिल लेना है और फिर इसमें लगाना है। ये देखिए ये देखिए पट्टी मैंने सिल दिया। अब इसके ऊपर हम ये देखिए ये वाला भी ऐसे ही कपड़े इधर को रखना है और इसको ऐसे पलट देना है और इसके ऊपर सिलाई लगानी है। तो देखिए ये पट्टी भी तैयार हो गई है। अब मैं इस पर आगे का हिस्सा ऐसे गला एक दूसरे के ऊपर रख के हमें ये तीरे जोड़ने हैं। ये देखिए ये नीचे का वो पीछे का भाग है और ये आगे का, इसको हम ऐसे रख के और ये जो हमारी पट्टी है इसको इसके ऊपर ऐसे पलटना है और सिलाई लगानी है। ऐसे ही हमें इधर करना है ऐसे और इसके ऊपर ऐसे पलट के ऐसे सिलाई लगानी है। ये देखिए हमारे गले दोनों तीरे जुड़ गए हैं। अब मैं इस पर फिटिंग का निशान लगाऊंगी और अब हम फिटिंग के निशान पर सिलाई लगाएंगे। इस सिलाई को हम डबल कर देंगे जिससे कि ढीला टाइट हो तो खोल के सही कर सके। तो ये देखिए मैंने दोनों फिटिंग के निशान लगा ली, वो सिलाई लगा ली है फिटिंग पे। अब मैं इसमें ये पट्टी अटैच करूँगी। पट्टी मैं उल्टी तरफ से अटैच करूँगी जिसके लिए मैंने ये थोड़ा थोड़ा कपड़ा ऊपर से खोल लिया है। ये देखिए उसके बाद दोबारा फिटिंग लगा दूँगी थोड़ी सी। ये मैं इधर से शुरू करूँगी ये पट्टी लगानी और एक पट्टी ये देखिए और मैं सीधी तरफ इसको मोड़ूँगी। तो देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले हम पट्टी को ऐसे उल्टी उल्टे कपड़े के ऊपर सीधी पट्टी रखनी है हमें। ये देखिए
इसको सीधी तरफ ऐसे घुमा के ऐसे इसके ऊपर सिलाई लगाऊंगी, ऐसे करके। तो ये देखिए पट्टी मैंने देखिए अटैच कर ली है, ऐसे ही मैं दूसरी तरफ पट्टी को अटैच करूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये पट्टी अटैच कर ली है, ये देखिए दोनों तरफ से। अब मैं ये इसके नीचे के और साइड के पल्ले फोल्ड करूँगी। सबसे पहले हम निशान लगाएंगे कि हमें कितने पल्ले फोल्ड करने हैं। ये देखिए एक एक इंच पे निशान लगाना है दोनों तरफ से। इधर भी मैं इसको मोड़ूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा सूट कुर्ता रेडी है, ये देखिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल का बटन दबाना ना भूलें, उससे आपको नई नई जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।